हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन ऑफ एसपी क्वेश्चन बैंक लेके आई हूं। जी हां स्टूडेंट्स, अभी ही बोर्ड ने एसपी के क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किए हैं, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन बैंक ऑफ सब्जेक्ट एसपी, जहां पे हम स्टार्ट करेंगे विद द ऑब्जेक्टिव बैंक। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपने सॉल्यूशन ऑफ ओसी क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है एंड इवन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं, तो मैं उसका लिंक ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन जो ओसीएम का है एंड इकोनॉमिक्स का है, वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इवन इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न एंड ओसीएम का पेपर पैटर्न भी वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इवन ऑन योर नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर लेटेस्ट एंड लेटेस्ट अपडेट्स। अब सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लगातार सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ओसी एंड एसपी ये सब कुछ लेके आने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इवन नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टडीज़ को कवर कर पाओगे। एंड द वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपके माइंड में ऐसा डाउट है कि हमें क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ना है या फिर इसमें से कितना आएगा, तो मैंने पहले भी कहा है कि आपको क्वेश्चन बैंक बहुत थरली पढ़ना है, एकदम कवर करना है क्वेश्चन बैंक को, एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को ही अच्छे से कर लेते हो तो आई गारंटी यू कि आप डेफिनेटली पास तो हो जाएंगे, बट उसके साथ आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सो डेफिनेटली हैव टू कवर इंटायर क्वेश्चन बैंक वेरी थरली। सो आज हम डिस्कस करेंगे विद द सब्जेक्ट दैट इज सेकेंडरी प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडर्ड 12, द क्वेश्चन बैंक दैट इज सॉल्यूशन, एंड विल स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव बैंक। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे विद द ऑब्जेक्टिव बैंक, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, फाइनेंस इज अ मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी, योर आंसर विल बी मॉनिटरी। जो भी मैंने रेड में लिखा है दैट इज योर आंसर, सो आंसर विल बी मॉनिटरी। सेकेंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉरपोरेशन, दैट इज ऑप्शंस आर गुड्स, कैपिटल, लैंड। आंसर इज कैपिटल। थर्ड, द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट रिसीट इज अ एबिलिटी टू रेज कैपिटल इन डैश मार्केट, ऑप्शंस आर नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल। योर आंसर इज इंटरनेशनल। फोर्थ, अंडर डैश मेथड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन बिडिंग, ऑप्शंस आर बुक बिल्डिंग, फिक्स प्राइस, बोनस इश्यू। आंसर इज बुक बिल्डिंग। फिफ्थ, इन डैश शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शंस आर फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ESOS। अगर फर्स्ट टाइम ऑफर किया जाता है तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज IPO। सिक्स, डैश इज ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, IPO, ESOS के राइट इश्यू। आंसर इज राइट इश्यू। सेवेंथ, सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू, ऑप्शंस आर 10 डेज, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। आंसर इज 10 ईयर्स। नेक्स्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन डैश ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, ऑप्शंस आर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 60 डेज। आंसर इज 6 मंथ्स। नाइन्थ, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ कंपनी इज कॉल्ड डैश, ऑप्शंस आर डिबेंचर ट्रस्ट डीड, लेटर ऑफ ऑफर, प्रस्पेक्टस। आंसर इज डिबेंचर ट्रस्ट डीड। टेंथ, डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम फॉर डैश मंथ्स, ऑप्शंस आर 36, 3 एंड 30। आंसर इज 36 मंथ्स। 11, कंपनी इश्यू डैश टू इनवाइट इट्स मेंबर्स टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट स्कीम, ऑप्शंस आर एडवर्टाइजमेंट, सर्क्यूलर, न्यूज़पेपर। आंसर इज सर्क्यूलर। 12, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर डैश, ऑप्शंस आर 30 जून, 31st मार्च, 30 अप्रैल। आंसर इज 30 जून। 13, सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर शुड बी डैश, लेंथी, शॉर्टकट, प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। आंसर इज प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट, 14, डिबेंचर्स आर रीपेबल आफ्टर सर्टन पीरियड आर डैश डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल, रजिस्टर, रिडीमेबल। द आंसर इज रिडीमेबल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज डैश,
uncertain, floating, fixed. Answer is fixed. Depositors are dash of a company. Members, creditors, debtors. Answer is creditors. 17. In physical mode, securities are held in dash form. Paper, dematerialization, electronic. Answer, paper. 18. Risk of losing securities, certificate exists in dash mode. Physical, dematerialized, digital. Answer is physical. 19. Depository Act was passed in dash. Options are 1919, 1996 and 1999. Answer is 1996. 20. In India, ISIN for corporate securities is allotted by dash. NSDL, central government, state government. Answer is NSDL. 21. Dividend is recommended by dash. Managing Director, Secretary, Board of Director. Answer is Board of Director. 22. Interim dividend is declared by dash. Board of Director, Debenture Holders, Depositories, Depositors. So answer is Board of Director. But 23. Final dividend is declared by dash. Board of Director, Shareholders and Depositors. Answer is Shareholder. अभी students 21, 22 and 23 तीनों fill-ups में ध्यान देना है. अगर dividend recommend किसने किया तो Board of Director. Interim dividend को declare किसने किया? Board of Director. But final dividend को declare कौन करता है? Shareholders. इस पे थोड़ा ध्यान देना है. 24. Dividend cannot be declared out of dash. Capital, profit, reserve. Answer is capital. 25. Payment of dash dividend must be authorized by articles of association. Option is interim, final, key bonus. Answer is interim. 26. Money market is a market for lending and borrowing funds for dash term. Answer, short, options are short, medium, key long. Answer is short term. अगर कैपिटल मार्केट पूछा रहता तो लॉन्ग टर्म आता, बट मनी मार्केट है सो आंसर इज शॉर्ट टर्म. सो यहाँ पे वी हैव कवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट एसपी. सो आगे के वीडियो में हम इसी तरह आगे के क्वेश्चन सभी कुछ कवर करेंगे. तो मेरा रिक्वेस्ट ये स्टूडेंट्स कि आप चैनल पे बने रहे, क्योंकि लगातार मैं पूरा क्वेश्चन बैंक के साथ सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने आने वाली. सो प्लीज़ डू ऑन योर नोटिफिकेशन आइकन फॉर लेटेस्ट एंड लेटेस्ट अपडेट्स. एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो फॉलो मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दैट इज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर. सो दिस आर माई आईडीज, तो आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आई वॉन्ट टू रियली थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हु हैव सपोर्टेड मी टिल नाउ. थैंक यू फॉर लिसनिंग. कीप वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.